सोमवार को आउटसोर्स कर्मचारी एवं संविदा कर्मचारियों द्वारा महितपुर संभाग के कार्यपालन यंत्री अशोक कुमार शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों ने हाथों में बैनर लिए बिजली कार्यालय के बाहर नारेबाजी की, साथ ही संविलियन एवं निजीकरण की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। ज्ञापन के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों व संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को शासन से शीघ्र पूर्ण करने की मांग की, साथ ही आगामी 6 जनवरी को प्रदेशव्यापी काम बंद हड़ताल को लेकर भी शासन को जानकारी दी। संगठन के कर्मचारियों ने बताया कि वर्तमान में आउटसोर्स कर्मचारी एवं संविदा कर्मचारियों द्वारा पिछले कई वर्षों से पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया जा रहा है, इसके बावजूद भी सरकार इनके भविष्य को लेकर कोई हल नहीं निकाल पाई है, जिससे इन कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। ऐसे में शासन आउटसोर्स कर्मचारियों को विभाग में संविलियन एवं संविदा कर्मचारियों को शीघ्र नियमित किया जाए। छः जनवरी 2023 से संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों की जायज मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर जाने विषय। आदरणीय महोदय, विनम्र निवेदन है कि मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ, विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी कल्याण संघ, मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी कल्याण संघ, मध्य प्रदेश बाह्य स्रोत कर्मचारी कल्याण संघ, इनके आउटसोर्स कर्मचारी संगठन आउटसोर्स परिषद भोपाल संगठन द्वारा संयुक्त रूप से समय समय पर संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण और बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों के विभागीय संविलियन के लिए विगत वर्ष में अनेकों पत्र विवाद ज्ञापन और प्रदर्शन। आउटसोर्स कर्मचारी कई विगत वर्षों से अपने विद्युत कंपनी में कार्य रहते हैं, इनका कंपनी में आज तक कोई संविलियन नहीं हुआ है। हमारी ये मांग है कि आउटसोर्स कर्मचारियों का विद्युत संविदा कंपनियों में संविलियन हो जाए, और विद्युत संविदा कर्मचारी 11 साल से कार्यरत है, 11 साल से संविदा के पद पर कार्यरत है, उनका कोई अभी तक विभाग में स्थायी नहीं हो पाए, इसलिए हमारा ऊपर से संगठनों का निर्देश है, आउटसोर्स संगठन प्लस संविदा कर्मचारी संगठन द्वारा है काम बंद हड़ताल 6 जनवरी से काम बंद हड़ताल की जा रही है। इसमें इसी उपलक्ष्य में हमारे द्वारा आज आवेदन अनुविभागीय अधिकारी SDM साहब को भी दिया गया है, हमारे कार्यपालन यंत्री महोदय साहब को भी आज आवेदन दिया गया है। इस आवेदन में हमारी ये मांग है कि हम 5 जनवरी की रात 12 बजे मतलब सुबह 6 जनवरी से हड़ताल पर रहेंगे। महितपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों द्वारा अपनी लंबित मांगों को जो कि शासन लेवल पर विचाराधीन है उसके संबंध में 6 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने संबंधित ज्ञापन दिया गया है। उसमें संविदा कर्मचारियों द्वारा नियमितीकरण की मांग है और आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा कंपनी में संविलय करने के संबंध में उनकी है कि जॉब की श्योरिटी हो उनके, इस संबंध में आज जनों को उनके सभी प्रतिनिधि और सभी साथियों द्वारा या संभागीय कार्यालय आ चुका। महितपुर से भोमलाल गोयल की रिपोर्ट।